समझ आया? द बॉयज आर सिटिंग राउंड द टेबल. तो बॉयज ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं इधर, ठीक है, एक सर्कल में बैठे हुए. किसके? टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं बॉयज. तभी हमने यूज किया है प्रेपोजिशन राउंड का. इतना क्लियर हो गया आपको? हम सेकंड प्रेपोजिशन करते हैं अराउंड का, तब आपको और ज्यादा समझ आएगा, और ज्यादा क्लियर होगा. पहले ये बता दीजिए कितना क्लियर हो गया. हाँ जी, मैम सेकंड वाला फिर से समझा दो, अराउंड वाला। अराउंड वाला. बस अभी अराउंड करने ही जा रहे हैं हम, अराउंड करेंगे अभी. आप पहले ये बताओ कि राउंड का समझ आ गया आपको? यस मैम, ठीक है, अब यस हम करते हैं बात अराउंड की. ठीक है, अराउंड का कैसे होगा? बाहर से आएगा इसका मतलब, या फिर इर्द गिर्द. चलो, या फिर आसपास. ठीक है, आसपास. अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका. देयर आर 60 गर्ल्स इन द पार्क अराउंड. अब देखो ना, अब इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब सिंपल पता क्या होगा? वहां कोई पार्क है, पार्क में जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 60 लड़की है, बट एग्जैक्ट नहीं पता है हमें कि कितनी लड़की है. ठीक है, तो इस अराउंड का मतलब क्या है? आ रहा है यहाँ पे लगभग, आ रहा है ना. और लगभग को क्या बोलते हैं हम? अप्रोक्स. तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बतानी हो, तभी हम ऐसे बोलते हैं कि मान लो कि कोई भी चीज है, आप मान लो कि कपड़े लेके आ गए, ठीक है, कोई भी ड्रेस लेके आ गए आप. तो आपको अगर एक्चुअल वैल्यू पता नहीं हो, तो आप ऐसे बोलते कि अराउंड 2000, अराउंड 1500, इतने तक की पड़ी है, ऐसे बोल देते हैं ना हम. अराउंड वर्ड का हम जब यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं, हम बताते हैं राउंड फिगर्स में. ठीक है, अब मैं और एग्जांपल देती हूँ कि ये है 23.67, 23.67. तो अब हम इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे 24. ठीक है, लगभग लगभग 24. तो बात बोलने का मतलब ये है कि अराउंड प्रेपोजिशन का हम तब यूज करेंगे जब हम कोई भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता रहे होंगे, या फिर कोई भी चीज जब रिवॉल्व कर रही होगी या फिर घूम रही होगी, बट नॉट इन अ सर्कुलर मोशन, बट घूमेंगी वो बाहर से आसपास इर्द गिर्द किसी भी चीज के. ठीक है, सर्कल नहीं बनाएगी बट घूमेगी. क्लियर हो गया आपको? या मैं फिर से रिपीट करूं? बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू जब बतानी होती तब भी हम अराउंड का यूज करते हैं, और जब कोई चीज बाहर से चारों ओर से घूम रही हो तब भी हम अराउंड प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. इतना क्लियर हो गया? यस मैम। एंड सेकंड देख लो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, अब यहां पे आ गया अराउंड द सन. अब मैं एक और चीज बताती हूँ आपको. अभी हमने यहां देखा था ना कि द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. अब आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही है, ये ऐसे एक लाइन, ऐसे ऐसे से प्लैनेट होते हैं ना. कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास टोटल? कितने प्लैनेट्स हैं? एट प्लैनेट्स हैं टोटल. ठीक है, तो एट प्लैनेट जो है वो खुद अपने आप सर्कुलर मोशन में घूमते हैं. ठीक है, किसके अंदर? हमारे सोलर सिस्टम के अंदर. ठीक है, और ऐसे घूमते हैं सर्कुलर मोशन में. अब बोल रहा है कि ये सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन. अर्थ जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? बाहर से किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सन के. तो हमने यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया? अराउंड का. इज इट क्लियर, और शुड आई रिपीट अगेन? क्लियर हो गया?
यस हाँ मैम। जी ओके। हाँ देन सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास टुवर्ड्स। टुवर्ड्स कर लिए हमने, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन कर लिए क्या हमने?